वक्त हमारे साथ मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं। मेजर साहब, ये जो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर पूरा देश जो है इस हादसे के बाद स्तब्ध है, लेकिन जिस तरीके का परसोना था सीडीएस बिपिन रावत का, कितना बड़ा नुकसान पूरे देशवासियों के लिए, सेना के लिए? ये बहुत बड़ा नुकसान है कि कहीं पे भी अगर टॉप जो लीडर होता है, टॉप अगर वो ही हमारे साथ में नहीं रहता, तो फिर पूरी टीम थोड़ा मोराल बहुत नीचे हो जाता है। अब आप देखिए कि जब भी जो एक बॉस और एक लीडर में बहुत बड़ा फर्क होता है, और जब बिपिन रावत साहब एक बहुत ही अच्छे बॉस, एक लीडर थे, वो बॉस कम लीडर ज्यादा थे, वो बताते थे लोगों को कि भाई आपकी क्या वैल्यू है, अपने बारे में नहीं कि भाई मैं जनरल हूं ना, वो बाय पर्सनल एग्जाम्पल लीड करते थे वो। और वो ऐसे शख्सियत थे कि मैं आपको वाकई बताता हूँ, मैं तकरीबन ये 2012 का वाकया है, मैं नागालैंड में, बहुत पहले मैं 2006 में एजी था, मैं 2003 को नागालैंड में दीमापुर में, वहीं पे 2012 में जनरल बिपिन रावत साहब आए थे, तो यहाँ पे इनके साथ रात को मैंने डिनर किया था, इनकी वाइफ और उनके साथ, और बात की थी अपने पुराने टाइम के बारे में जब नागालैंड में थे हम लोग। तो मैं एडीसी जो अपॉइंटमेंट अभी होल्ड कर रहे थे यहाँ पे नागालैंड में, उन्हीं अपॉइंटमेंट देखिए ब्रिगेडियर साहिम के साथ, जो उसी तरीके से मैं एक अपॉइंटमेंट थी एडीसी पर्सनल साफ ऑफिसर, तो उन्हें बोला कि भाई जो जहाज होता है, जो कप्तान होता है जहाज का, उसको निर्णय लेना चाहिए कि भाई अगर मौसम खराब हुआ तो हमको उसमें टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे अच्छे से यह बात है, ये बातें उनके साथ करनी, और मुझे लगता नहीं कि जनरल बिपिन रावत साहब किसी ने भी कुछ बोला होगा कि भाई जहाज नीचे चलाओ या कुछ भी चलाओ। वो जो अब जो वीडियो हमने देखा, अभी जहां पे दिखाया, इसके मुताबिक हमें दिखा कि ये जहाज उड़ रहा है और कुछ टूरिस्ट थे, उन्होंने, जाहिर सी बात है, आम बात, अगर आप और मैं या कोई भी अगर एक जहाज देखता है ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर रहा है, हम देखेंगे वो करीब से, हम शायद मोबाइल भी निकाल के उसको शूट करने की कोशिश करेंगे, है ना। उसी तरीके से इन टूरिस्ट ने शूट किया उसको, उसकी इमेजेस निकाली, लेकिन वो जहाज बादलों में ढक गया, हमें नजर नहीं आया, और उस कुछ चंद एक सेकंड के बाद एक धमाके की टाइप की आवाज आई कि या तो वो पहाड़ी में टकराया, या तो पेड़ से टकराया, या तो एक धमाका हुआ, या क्या हुआ, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ना वो दिख रहा था, बस आवाज आई। अब हुआ यूं, जितने भी शव मारे गए हैं वो डेब्रिस के नीचे पाए गए हैं पूरे के पूरे, तो इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी तो होगी। हाँ। और मेरे को पूरा भरोसा है फौजी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, जो इंक्वायरी होती है वो बिल्कुल अनबायस्ड और नॉन पार्शियल, बिल्कुल फेयर तरीके से होती है, तो ये इंक्वायरी में बहुत कुछ निकल के आएगा। अब ये है जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह साहब हैं, जो अभी लोन सर्वाइवर हैं अभी फिलहाल, तो और मैं तो पूरी प्रार्थना है कि वो सर्वाइव कर जाएं। उनके जो फादर हैं वो भी आर्मी में थे, वो कर्नल साहब थे, बल्कि मेरी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में ही थे वो। अब ये है कि अगर वो लोन सर्वाइवर सर्वाइव कर जाता है, तो फिर लोग जो कि मेरे को पूरा यकीन है करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो फाइटर हैं और वो करेंगे। और ये है कि जब वो सर्वाइव कर जाएंगे उसके बाद तो बातें होंगी कि कैसा हुआ, लेकिन अब आप अनमोल तौर पे बिल्कुल बिल्कुल मेजर साहब यही उम्मीद हम कर रहे हैं, वो सर्वाइव करें, चीजें तमाम सामने निकल के, हालांकि ब्लैक बॉक्स है वो भी बरामद कर लिया गया, उससे भी निश्चित तौर पर तमाम और चीजें निकल कर आ पाएंगी।